सत श्री अकाल जी, लोक आवाज टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हिमताज ढल्ला। दोस्तों, प्रोग्राम लेके आए हैं कि तुसी जानते हो, जिस विच असी तुहानू वक्खो वक्ख जानकारियां दसदे हां। तो अज असी जो जानकारी लेके आए हैं वह आ तुहाडे डर बारे। सब तो वड्डा डर आ तुहाडा, तो सब तो वड्डा डर की हो सकता? वह डर आ मौत दा। मौत दा डर सब तो वड्डा डर मन्या गया है। हर किसी नू डर हुंदा कि आखिर सब दी मौत हो जानी है, मौत ने आ जाना, एक दिन मौत ने लै जाना। तो अज असी वो डर थोड़ा दूर कर देंगे। आम तौर पर आख्या जाता कि जमना मरना यह सब कुछ कर्मा दे हाथ आ, यह सब कुछ रब दे हाथ आ, कोई इस नू बदल नहीं सकता, ना कदे कुछ अजिहा होया। तो इस तो पहला भी कुछ गल्लां कही जांदियां सी कि धरती तो बाहर जाना यह कुछ हो नहीं सकता, जां जो अजकल आप यूज़ करते हैं गैजट, जो मोबाइल वगैरह, ये सब कुछ भी अपने पहला दिमाग में हुंदा सी कि इहोजा कुछ होवेगा या नहीं। तो वह सब कुछ होया, वो किसने किया? विज्ञान ने। तो उस तरह असी एक अज जानकारी देन जा रहे हैं विज्ञान की, जो नवी प्राप्ति आ। बीमारियां जो हुंदियां आम तौर पर, बीमारियां नूं हटाउण लई तां विज्ञान ने बड़ा कुछ किया, पर विज्ञान ने बीमारियां बना भी बड़िया दित्तियां ने। तां मौत दे डर की गल कर रहे सी, मौत नूं विज्ञान ने हुण हराउण बारे एक नवी खोज की आ। वो खोज की आ जेफ मेज़ोस ने। जेफ मेज़ोस की जेकर गल करिए, एमाजोन दे जो मालक ने, एग्जीक्यूटिव ने जेफ मेज़ोस, अते दुनिया के सब तो अमीर आदमी, इस वक्त के सब तो अमीर आदमी ने, नंबर एक ते उन्हां दा नाम है सब तो अमीर आदमी विच। उन्होंने एक नवा प्रोजैक्ट शुरू किया जिसका नाम है एंटी एजिंग प्रोजैक्ट। एंटी एजिंग प्रोजैक्ट विच उन्होंने एक अल्टोज नाम दियां लैब्स की इनवेंशन की आ। उन्होंने उस उपर इनवैसट भी बड़े डॉलर इनवैसट किए ने। अमरीका दे एक उद्यमी इंसान ने जेफ बेज़ोस। अते जेकर गल करिए उन्होंने इस प्रोजैक्ट बारे, उस विच खोज कर रहे ने, जिवें कि विज्ञान कहिंदा कि आदमी का शरीर सिल्लां दा बनया होया, जदों सिल्लां दी उम्र घटन लग जाती है तो हौली हौली आदमी की जिंदगी भी घटन लग जाती है, तो आखिर इंसान की मौत हो जाती है। उस मौत नूं ठल पाउण लई जेफ बेज़ोस ने यह जो प्रोजैक्ट शुरू किया आ, एंटी एजिंग का प्रोजैक्ट। अमरीका विच इस दियां अल्टोज नाम दियां लैब्स बनाई गई हैं। अल्टोज नाम दियां लैबां विच जो मेन उन्हां दा काम आ, उन्होंने सिल्लां उपर स्टडी कर रहे ने, तां सिल्लां दी उम्र किवें वधाई जावे, सिल्लां नूं जिउंदा किवें रख्या जावे, क्योंकि जेकर सैल साडे तंदुरुस्त ने तां अपनी उम्र वध सकदी आ। तां इह जो लैबां विच काम आ, जो मेन जिहड़े गल करिए तां उत्थे जिहड़े साइंटिस्ट आ जो खोज कर रहे ने, उन्हां दी तनखाह $1 मिलियन दसी जा रही आ। जी हाँ, $1 मिलियन उन्हां दी तनखाह जो जेफ बेज़ोस दे रहे ने। इस चीज़ उपर स्टडी कर रहे ने कि सिल्लां नूं किवें जिउंदा रख्या जावे, तंदुरुस्त रख्या जावे अते उम्र वधाई जावे, तां कि इंसान दी कदे मौत ना हो सके। सुनने विच बड़ा अजीब जिहा लगता कि मौत नूं कौन रोक सकता, पर जिवें कि तुहानूं पता कि बीमारियां दे इलाज जेकर गल करिए तां उह विज्ञान ने कीते ने। जेफ बेज़ोस बारे दस दईए, जो अंतरिक्ष तो बाहर अपने इंसान की जिंदगी बारे जो प्रोजैक्ट चल रहा, वह भी जेफ बेज़ोस कर रहे ने। जेफ बेज़ोस इन्वेस्टर बड़े तकड़े ने, दुनिया के सब तो अमीर आदमी ने, जो अपने धरती तो बाहर जाके जीवन बसाउण दी गल चल रही है वह भी जेफ बेज़ोस ही कर रहे ने। तो उन्होंने जो उन्होंने मेन काम आ साइंटिस्ट का, उन्होंने देखना कि जदों सैल बीमार होंदे ने, सैल घटने शुरू होंदे ने, जां सिल्लां दा तंदुरुस्त होना घट होना शुरू हुंदा, तां उसनू प्रोटीन किवें दिता जावे। जेकर सिल्लां नू प्रोटीन मिलदा रहे तां आदमी दी कदे मौत नहीं हो सकती। तां इंसान दी मौत नू रोकण वास्ते जेफ बेज़ोस ने इह जो कदम चुकिया, आने वाले समय में उस दे रिजल्ट भी मिलने शुरू होणगे। जानकारी लई दस दईए कि इह जो उम्र वधाउण दा सारा चल रहा है प्रोजैक्ट, इस विच
एक इंसान की उम्र 50 साल वधाई जाएगी। जेकर किसी की उम्र 70 साल है या 80 साल है तो 80 साल तो बाद 50 साल वो होर ऐड हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट राही, जो कि सिलां ते सारा निर्भर करता है। तो तुसी भी सोचते होवोगे कि की दस रहे हो, की है कोई गल बनी या की है भकाई मार रहे हो, इस तरह भी कह सकते हो। पर जो अजकल हो रहा ये भी किसी टाइम इदा ही लगता सी कि यह कुछ नहीं हो सकता, पर विज्ञान की जेकर गल करिए विज्ञान ने सब कुछ करके दिखाता। तो अगे भी विज्ञान होर बड़ा कुछ नवं लैके आ रहा, तो तुहानू इस तरह असीं जानकारियां देंदे रहांगे। तो इस तरह दी होर वीडियो देखने लई देखते रहो लोक आवाज़ टीवी। धन्यवाद।